साल हो गए? और कैसा रहा? मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो आपको भी कन्विंस कर दिया है कि ज्वेलरी मत खरीदो, ज्वेलरी के स्टॉक खरीदो, ऐसा बोलने लगे हैं क्या आप? ऐसे सारा आईटी ले रखा है हम लोगों ने, सारा आईटी ले रखा है ऑलमोस्ट। अरे बाप रे, तो थोड़ा सा दिक्कत में आ गया होगा ऑफ लेट, वोलेटाइल अभी बहुत तो हो लास्ट बहुत दिक्कत हुई है। पहला कौन सा? अच्छा, सभी आईटी क्यों लिया? हस्बैंड आईटी सेक्टर में काम करते हैं क्या? नहीं नहीं हमारा बिजनेस है, बट वो वाला होता है ना कि इनको आईटी सेक्टर सेफ लगता है। पर ऐसी इस सेफ्टी में एक ही जगह डाल देना सारा पैसा, गड़बड़ है ना? थोड़ा थोड़ा और भी होता है पर मेजर पार्ट आईटी है। मेजर पार्ट आईटी है लेकिन बाकी जगह भी है। काजल मैम, पहली क्वेरी कौन सी, पहला सवाल कौन सा? मैंने एससीएल टेक ले रखा है 5 लॉट 1540 में। अरे एफएनओ में हो आप? ये मुझे लग रहा था पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रखा है आपने। अरे ये क्या लग रहा आपने है? का सारा पोर्टफोलियो जो आईटी में, मतलब ये सब एफएनओ के पोजीशंस हैं क्या? खतरों के खिलाड़ी हैं हस्बैंड वाइफ। नहीं पर वो सेफ नहीं है, मुझे तो रिस्की लगता है। नेक्स्ट अगर मैं सीखूंगी तो इक्विटी में ही करूंगी। हाँ आप समझदारी दिखाना, सही बात। तो हस्बैंड कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, सेल्टेक क्यों डिसाइड किया कि लॉट ले लेते हैं इसके पांच? कोचिंग कर रहे हैं और जहाँ अपन ने अकाउंट खोल रखा है वहां से भी थोड़ा सजेशन आता है, कॉल्स आती हैं। और पैसा बन रहा था या पैसा जा रहा है इन एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट में? बन रहा है, पैसा बन रहा है पर रिस्क फैक्टर ज्यादा है। रिस्क तो है, पैसा बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो ब्रोकरेज का तो काम होता है कि दलाली अच्छी आती है तो एफएनओ की तरफ खींच ले आओ रिटेल को। हाँ। पैसा बन रहा नहीं, नेक्स्ट शिफ्ट होंगे। ठीक है, वो आप लोग का कॉल। चलिए, काजल मैम का एचसीएल टेक 5 लॉट 1540 की खरीद, 1496 पे खड़ा हुआ इस समय फ्यूचर्स। तगड़ा नुकसान। ये इसी एक्सपायरी का है क्या, अप्रैल वाली, परसों? क्या बचा है, ये तो गड़बड़ हो गया। एचसीएल टेक कैसा लग रहा है आज तक? दो दिन में आईटी को दम आज दिखा रहा है। वैसे एचसीएल टेक आज सुबह मेरे ख्याल से हमारी टॉप कॉल्स की लिस्ट में आस्था शामिल था और आज आया भी तेजी के मूड में। बैठ ले लो, दो दिन और चल जाएगा क्या ऊपर? आज बढ़िया ट्रेंडिंग डे बना है एचसीएल टेक का। जी बिल्कुल काजल मैम, आपने एफएनओ में लिया है, मेरे हिसाब से आप अभी रख लो इसको और ऊपर में। आपकी तो 1540 की खरीद है लेकिन मुझे लगता है कि जो चार्ज दर्शा रहे हैं एक बार ऊपर में 1525 तक जाने का दमखम ये रखता है, तो एक्सपायरी से पहले वहां तक जाने के चांसेस है। तो अभी यहाँ से थोड़ी सी और तेजी बन सकती है जिसमें आपको निकलने के मौके मिलेंगे, तो मैं आपको अभी तो बने रहने की सलाह दूंगी। इनिशियल टारगेट 1525 का है और किसी भी वजह से और बढ़िया तेजी आई और आपका लक अच्छा रहा तो 1550 तक के भी लेवल्स ये दिखाता हुआ नजर आएगा। बट अभी तो आपको होल्ड ही करना है इनिशियल टारगेट जो 1525 का दिया है उसके लिए। वो कहते हैं ना, वो रोल ओवर कर लो, तेजी बन रही है तो रोल ओवर करने से तो मुझे इधर भी दलाली देनी है, उधर भी दलाली देनी है। आज तक आप लोग हेम वेम में कुछ डिस्काउंट देते हो क्या मैं रोल ओवर करता हूं तो? नहीं, जो स्टैंडर्ड है वही हम लोग फॉलो करते हैं। और अभी क्योंकि देखिए आशीष, चार्ट में मुझे इनफैक्ट ये जो करंट मंथ है अप्रैल वाला, इसी में मुझे तेजी में लग रहा है और एक बार लग रहा है कि ये 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ मूव कर सकता है जो कि 1525 तक आ रहा है, तो वहां तक की चाल पकड़ सकता है, इसीलिए मैंने इनको इसी मंथ की एक्सपायरी के लेवल्स दिए हैं। मिनिमाइज हो सकते हैं पर थोड़ा सा दूर हो गया और समय है नहीं तो लॉस तो होंगे, देखते हैं कितने मिनिमाइज होते हैं। और आपने 5 लॉट ले लिए। चलिए रिविजिट करिएगा आप और आपके हस्बैंड अपनी एफएनओ रिलेटेड स्ट्रेटजीज। थोड़ी सी स्टॉप लॉस नहीं लगाते क्या हस्बैंड कहीं पे? नहीं, एवरेज कर लेते हैं। गलती को एवरेज करना मतलब हो गया आपके फेवर में ट्रेड नहीं था, मतलब आप गलत पड़े उसमें और पैसा झोंक दिया इस उम्मीद में कि पैसा और डाल दूंगी तो सही हो जाएगा, ऐसा थोड़ा ना बाजार ऑनर करेगा। खैर, चित्रा मैम के पास जा रहा हूँ, वाराणसी से। चित्रा जी हाय, गुड आफ्टरनून। चित्रा मैम, आपके घर तो वाराणसी में, कितने टाइम से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? सर लास्ट 1 ईयर से जुड़े हैं, पहले टीचर थी, फिर लास्ट 1 ईयर से और इन्वेस्टिंग ही करते हैं। और कैसे डिसाइड करते हो आप इन्वेस्टिंग के लिए स्टॉक्स, कैसे चुनते हो चित्रा जी? सर आपके चैनल और मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है सर। चाइल्डहुड फ्रेंड पर रिलाय करते हो, चैनल पर बैठे हो इसलिए नाम ले लिया। नहीं नहीं सर, आप अच्छा चाइल्डहुड फ्रेंड क्या मंजे हुए स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी हैं इसीलिए? नहीं सर, वो उसको आता है।
तो एक साल से जो स्टॉक्स रिकमेंड करे उन्होंने या सजेस्ट करे अच्छे चल रहे? जी सर, पर एक स्टॉक नहीं चल रहा है उसी के लिए। ठीक है, कोई नहीं, बिल्कुल तो ठीक है। चित्रा मैम कौन सा स्टॉक है वो? सर इंफोसिस लिए थे 1480 पे, 160 शेयर्स सर, अभी लॉस में है। नहीं तो उन्होंने स्टॉक तो ठीक ही सजेस्ट कर रहा था। हाँ, इन्फोसिस डिसअपॉइंट कर रहा है, आईटी डिसअपॉइंट कर रहा है, बात अलग है, लेकिन ठीक है, फ्रेंड ने अच्छी पेडिग्री, अच्छा स्टॉक मेंशन किया है। ये वाला है भी नहीं कि घाटे में निकला। सॉरी, मुझे बाकी पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूट नहीं पता आपका, लेकिन पांच साल के इन्फोसिस एज ऑन डेट तो कोई बुरी नहीं दिखता। ये पेन पीरियड है आईटी का, इसमें कोई शक नहीं, पर उभर जाएगा। ये वाला स्टॉक है नहीं लंबी अवधि वाले निवेशकों के लिए कि लॉस में काटा जाए। खैर, ये आस्था ज्यादा बेहतर जवाब देंगी। आस्था, ये फ्रेंड ने सही सजेस्ट किया क्या, चाइल्डहुड फ्रेंड ने इन्फोसिस? बिल्कुल, देखिए सजेस्ट तो सही किया, पर अभी के नतीजे मैम अच्छे नहीं थे, उसके लिए बहुत ज्यादा टूट गया। आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो होल्ड कर लीजिए, मुझे दिक्कत नहीं लगती। हो सकता है कि थोड़ा सा पेशेंस टेस्ट करे, तो वैसे भी लॉन्ग टर्म अब आप रख ही रहे हो तो इसमें आप बने रहिए। इनिशियल मुझे लगता है जो तेजी आएगी वो इसको इनिशियली जो लेके जाएगी वो 1525 तक लेके जाएगी, और उसके बाद फिर 1600 तक के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से अभी आपको 1525 या 1540 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करना है एटलीस्ट वहां तक की रैली के लिए। तो बने रहिए अपनी पोजिशन में, स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो तकरीबन 1370 का आता है, तो 1370 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आपको बने रहना है इनिशियल टारगेट जो मैंने दिया है उसके लिए। तो 1540-1550 आ भी गया तो आपका तो कंफर्ट में आ जाएगा, प्रॉफिट पोजीशन हो जाएगी, तो फिर कंफर्ट बढ़ जाएगा। फिर आप तो खैर लंबी अवधि रखना चाहते हो। हाँ, ये बात सही आज तक कि नंबर्स इस बार के कमजोर थे, पर होपिंग, बाजार होप ज्यादा करता है इन्फोसिस वाले स्टॉक से कि इवेंचुअली कमा के देंगे।